गुड मॉर्निंग दोस्तों एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का आज स्वागत है आज जो कि तीस जनवरी ठीक है हमारे लिए एक बहुत ही दुख भरी न्यूज़ आई है कि हमारे जो एक एक्टर एक एक थे वर्साटाइल एक्टर थे जिनका नाम था ऋषि कपूर आज उनका निधन हो गया है एक तरह से ये हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है और इसलिए मैं आज इसको सेशन को इस तरह से शुरू कर रहा हूँ ठीक है <coughs> तो आप लोग ये सब जान लें कि आज ये पर्सनालिटी जो है हमारे बीच नहीं रहे ठीक है इनका जो जन्म 1952 में हुआ था और आज ही के दिन इनका निधन हो गया है तो मैं आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इनको एक श्रद्धा श्रद्धांजलि देने के रूप में एक बार रेस्ट इन पीस या आर आई पी लिख कर एक बार कमेंट करें चैट बॉक्स में ताकि हम लोग एक कदम बढ़ा सकें इनको इनकी आत्मा को शांति देने के लिए सभी को गुड मॉर्निंग एक बार सबको एक बार कमेंट कर लें उसके बाद मैं सेशन को शुरू करूंगा ठीक है मैं पानी पी लेता हूँ और कल का ही दिन था आज हम लोग का लगातार ये दूसरा दिन हुआ कल का दिन एक और हमारे पर्सनैलिटी थे जिनका निधन हो गया एक एक्टर थे वर्साटाइल एक्टर थे जिनका नाम था इरफान खान उनका भी निधन हो गया बहुत ही कम उम्र के बीच में और बहुत ही उम्दा काम करते हुए उनका निधन हो गया ठीक है चलिए गुड मॉर्निंग दत्ता भैया गुड मॉर्निंग प्रीति गुड मॉर्निंग मनविंदर चलिए अब इसके साथ हम लोग आज का सेशन को शुरू करेंगे आते हैं हम लोग आज का टॉपिक की ओर जैसा कि मैंने कल एक पोस्ट डाला था कि आज जो है हम लोग अपॉइंटमेंट पढ़ेंगे ठीक है अपॉइंटमेंट ठीक है आज कोई करंट अफेयर्स लेकर नहीं आया हूँ मैं क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि भैया कुछ स्पेशल टॉपिक कराइए और इसलिए कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था सजेशन दिया था कि भैया अपॉइंटमेंट लेकर आए तो इसीलिए अपॉइंटमेंट्स का आज जो जितने भी अप्रैल में ठीक है अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसको लेकर मैं आया हूँ ठीक है ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी में जितने भी अप्रैल में अपॉइंमेंट्स हो आज उन्हीं सबको मैं डील करूँगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराऊँगा आज ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एम टाइप में है आज सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन किया डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है ठीक है तो इसी के साथ आज का सेशन को शुरू करते हैं अगर वॉइस क्लियर है तो एक बार थम्स अप दिखा दें आप लोग सभी कोई मोनू कुमार सुप्रभात मोनू श्रुति गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तनुजा चलिए गुड ठीक है चलिए सबको आवाज़ क्लियर आ रहा है ठीक है आज का सेशन को शुरू करते हैं सेशन को शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आज जो है हमारे सर अन एकेडमी पर शाम को चार बजे लाइव आने वाले हैं ठीक है और टॉपिक आज का रहेगा इक्वेशन ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर आने वाले हैं आज सर तो इसीलिए आप लोग सभी से रिक्वेस्ट है कि आज शाम का शाम का जो सेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बहुत सारे जो मेन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी डील किया जाएगा ठीक है तो इसीलिए आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है तो आप लोग सभी को जुड़ जाए जुड़े रहें आज शाम चार बजे की ठीक है चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से ठीक है ये सब जो अपॉइंटमेंट्स है ये एक्चुअली एक तरह का रीसफलिंग है जैसा कि गवर्नमेंट में अभी क्या हुआ है रीसफलिंग किया गया है यानी कि कुछ पोस्ट के जो सेक्रेटरी थे उनको शिफ्टिंग किया गया उनको एक पोस्ट से हटा के दूसरे जगह दूसरे पोर्स वाले को तीसरे जगह इस तरह से किया गया तो इसमें यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि नए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाए गए हैं ठीक है नए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाए हैं जिनका नाम है रवि मित्तल ठीक है रवि मित्तल और ये पहले क्या था तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे ठीक है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी ठीक है <coughs> आवाज़ नहीं आ रही है क्या आवाज़ तो ठीक है चलिए ठीक है तो नए जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी बनाए गए हैं उनका नाम है रवि मित्तल जो कि इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी थे अब इनके जगह पर जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है वो उनका एडिशनल चार्ज किसको मिल गया है अमित खरे को मिल गया ठीक है अमित खरे जो कि ये क्या थे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ठीक है हायर एजुकेशन सेक्रेटरी जिसका था अमित खरे का था वो पोस्ट मिल गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी को ठीक है उसी के साथ सेक्रेटरी ऑफ सोशल सॉरी स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ठीक है स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के लिए किसको सेक्रेटरी बनाया गया तो ये है अनीता करवाल ठीक है अनीता करवाल और ये कौन है तो ये सी बी एस ई के चेयरपर्सन है ठीक है सी बी एस ई चेयरपर्सन है अनीता करवाल ठीक है हाँ ठीक है सबको आवाज आ रही है सही है तब तो चलिए ठीक है तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो स्पोर्ट्स सेक्रेटरी थे ये रवि मित्तल बने हैं और आईबी बी से आई बी सेक्रेटरी बने हैं अमित खरे ठीक है तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर उनका नाम बताना है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाम बताना और उनका कॉन्स्टिट्युएंसी बताना ये भी एग्जाम में आती है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होती है किसी भी मिनिस्टर का कॉन्स्टिट्युएंसी आपको याद रखना होगा एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई लोकसभा से कॉन्स्टिट्युएंसी है तो उनका आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना होता है ठीक है वो कहाँ से है लेकिन अगर राज्यसभा है तो आपको सिर्फ स्टेट याद रखना पड़ता है ठीक है स्टेट ठीक है पूजा सोनी ने आंसर दिया है किरण रिजिजू राज किरण रिजिजू ठीक है राज्यवर्धन ठीक है कॉन्स्टिट्युएंसी आप लोग बताइए सी क्या है किरण रिजिजू का स्पोर्ट्स मिनिस्टर सही है किरण रिजिजू है ठीक है हेमलता कुमारी किरण रिजिजू सही है किरण रिजिजू सही है कॉन्स्टिट्युएंसू है ठीक है मैं बता देता हूं जो कॉन्स्टिट्युएंसी है यह है अरुणाचल वेस्ट ठीक है यह अरुणाचल से बिलोंग करते हैं इनका कॉन्स्टिट्युएंस है अरुणाचल वेस्ट ठीक है और हमारे आईबी मिनिस्टर कौन है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर इनका नाम बताइए आप लोग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये मिनिस्ट्री किसके पास है अरविंद कुमार नहीं मैं बता देता हूँ ये जो मिनिस्ट्री है ये प्रकाश जावेडकर के पास है ठीक है प्रकाश जावेडकर ठीक है चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट अभी प्रेसिडेंट के लिए भी नए सेक्रेटरी गए हैं, प्रेसिडेंट यानी कि रामनाथ कोविंद के लिए उनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी ठीक है कपिल देव त्रिपाठी ठीक है चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं ओ यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ठीक है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट तो ये कौन बनाया गया है ठीक है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गलत हो गया रविशंकर रविशंकर है नहीं भैया प्रकाश जावेडकर है ठीक है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावेडकर चलिए ठीक है जो स्पेशल ऑन ड्यूटी हेल्थ मिनिस्ट्री में कौन है हेल्थ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है वो है राजेश भूषण ठीक है राजेश भूषण और ये क्या थे पहले रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी थे ठीक है रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी तो इनके जगह पर रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी कौन बनाया गया है उनका नाम है नागेंद्र नाथ सिन्हा ठीक है नागेंद्र नाथ सिन्हा ठीक है इसी के साथ अभी नए कंज्यूमर आप लोग ये याद रखिएगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी इनका नाम है लीला नंदन ठीक है लीला नंदन ये बनाई गई है कंज्यूमर कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी ठीक है चलिए और इनके पास पहले क्या था तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे स्पेशल सेक्रेटरी थे ठीक है जैसे ओ होता है ये ओ थी रोड एंड हाईवे की ठीक है रोड एंड हाईवे आप लोग इसको याद रखे और नोट डाउन भी कर ले कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी ठीक है इसी तरह ये भी इंपॉर्टेंट है कॉरपोरेट अफेयर्स कौन बनाए गए हैं यह है राजेश वर्मा ठीक है राजेश वर्मा ठीक है शिपिंग सेक्रेटरी ठीक है ये छोटे छोटे हैं तो ये भी आप लोग याद रखें शिपिंग सेक्रेटरी कौन बनाया गया तो ये है संजीव रंजन ठीक है संजीव रंजन को बनाया गया है शिपिंग सेक्रेटरी चलिए आई बी रविशंकर प्रसाद इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए ठीक है पूजा सोनी ने सही कहा है इन्फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स है रविशंकर प्रसाद और इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेडकर चलिए कंज्यूमर मिनिस्टर ठीक है पवन कंज्यूमर मिनिस्टर ठीक है, है रामविलास पासवान सही कह रहे हैं आप लोग इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है हाजीपुर बिहार ठीक है ओ एस डी ओ एस डी का फुलफॉर्म में मैंने बताया था ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ठीक है ओ का डी का होता Duty, है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ठीक है चलिए आते हैं हम लोग स्लाइड का लास्ट लास्ट है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ठीक है स्टील मिनिस्ट्री में कौन सेक्रेटरी बनाया गया है तो इनका नाम है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ठीक है, है प्रदीप कुमार त्रिपाठी ठीक है, है? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर आज का सेशन ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा लेकिन हम लोग को ये जानना जरूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा कम से कम तीन चार से पाँच क्वेश्चन हमेशा अपॉइंटमेंट से रहते हैं तो इसीलिए इसी को लेकर आया हूँ मैं और ये सिर्फ और सिर्फ अप्रैल के हैं कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट उम्पोर्टेंट है जो रिलेटेड है वो मार्च के भी है ठीक है नए बनाए गए हेल्थ सेक्रेटरी ठीक है हेल्थ सेक्रेटरी बनाए गए हैं इनका नाम है प्रीति सुदान ठीक है प्रीति सुदान इनको तीन महीने का एक्सटेंशन मिला है ठीक है ये पहले भी यही थे लेकिन अभी तीन महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है न्यू सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इसमें ने, इसके जो नए सेक्रेटरी बने हैं वो है तरुण कपूर ठीक है तरुण कपूर ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी चलिए सही बता रहे अभिषेक चौधरी लॉग पूजा सोनी ने लिखा है लॉकडाउन में इतने लोगों का अपॉइंटमेंट हो गया हमारा एग्ज़ाम भी नहीं बहुत नाइंसाफ़ी है इसीलिए लिए मैम मैंने बताया कि ये अपॉइंटमेंट नहीं है ये रीसफलिंग हुआ है ठीक है जितने भी सेक्रेटरी है उन लोगों का रीसफल किया गया है मतलब यानी कि इस मिनिस्ट्री से दूसरे दूसरे मिनिस्ट्री से तीसरे में भेजा गया है कोई न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हुई है ठीक है तो इसी आप लोग निराश ना हो जब अपॉइंटमेंट होगा तो आप लोग को वैकेंसी आएगा साफ 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 और आप लोग को भी मौका मिलेगा ठीक है देखिए ये चलिए शुरू करते हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में कौन बनाया गया तरुण कपूर ठीक है सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ठीक है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में जो सेक्रेटरी बनाया गया है इनका नाम है वरुण मित्रा ठीक है वरुण मित्रा ठीक है आप लोग बार बार रिवाइज कीजिएगा तो ये चीज़ याद हो जाएगा एक बार मैं याद करने से नहीं होगा लेकिन बार बार रिवाइज कीजिएगा वीडियो को बार बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा फाइनेंस सेक्रेटरी ठीक है ये आप लोग को पढ़ा होगा फाइनेंस सेक्रेटरी बनाया गया है इनका नाम है अजय भूषण पांडे ठीक है अजय भूषण पांडे ठीक है <coughs> चलिए आते हैं <coughs> नेक्स्ट ये भी अप्रैल का है देखिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया झारखंड के ठीक है झारखंड जो है हमारे ही राज्य के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए तो आप लोगों को याद रखना होगा कि इनका नाम है सुखदेव सिंह ठीक है सुखदेव सिंह ठीक है एबीपी सेक्रेटरी पोस्ट में अपॉइंटमेंट नहीं होता प्रमोशन होता है हाँ सही बोल रहे दत्ता भैया एम टी आर मल्टीपल टाइम रिविजन हाँ सही है सही मेथड है शहनाज का एम टी आर मल्टीपल टाइम रिविजन चलिए आते हैं हम लोग कुछ बैंक्स और कुछ जो इंस्टीट्यूशन है उसका एम डी सी और चेयरमैन की ओर ठीक है सेक्रेटरी यहाँ ख़त्म हो जाता है और कुछ होंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा ठीक है सॉरी चलिए अभी केयर रेटिंग ठीक है ये एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है ठीक है क्रेडिट रेटिंग देती है ये इंडिया की है और ये मुंबई की है ठीक है ये मुंबई की है ठीक है ये मुंबई की कंपनी है केयर रेटिंग तो इसके जो अभी एमडीसीओ बनाए गए इनका नाम है अजय महाजन ठीक है अजय महाजन ठीक है नहीं अजय भूषण पांडे जो है ये फाइनेंस सेक्रेटरी है ठीक है फाइनेंस सेक्रेटरी है अजय भूषण पांडे ठीक है जैसा कि आप लोग देख लेंगे ये फाइनेंस सेक्रेटरी है ठीक है चलिए केयर रेटिंग के जो एम बनाए गए हैं इनका नाम है अजय महाजन और केयर रेटिंग के द्वारा हमारे जो जी इंडिया का जो जी तय किया गया है वो है वन ठीक है वन ठीक है पे जनरल इंश्योरेंस ठीक है पे एक कंपनी है ये एक मोबाइल वॉलेट कंपनी है पेटीएम जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में ठीक है नोएडा यूपी में पड़ती है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो एक कंपनी शुरू किया गया है जनरल इंश्योरेंस कंपनी ठीक है तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के लिए नए एम डी बनाया गया नया कंपनी शुरू किया गया तो इसीलिए नया एम डी रखा गया है तो उनका नाम है विनीत अरोड़ा ठीक है विनीत अरो अरोड़ा ठीक है चलिए ठीक है तो आप लोग मेरे को ये बताइए कि पेटीएम पेटीएम के फाउंडर कौन है ठीक है जल्दी से कमेंट में यह लिख कर बताइए कि पेटीएम के फाउंडर कौन है पेटीएम के फाउंडर ठीक है सॉरी पेटीएम के फाउंडर इनका नाम बताना है पी कुमार भैया चार तारीख से एनएससी आ सकते हैं नहीं भैया अभी कोई अपडेट नहीं है एन आप नहीं आ सकते हैं हम लोग का अगर कोई अपडेट होगा तो आप लोगों को नोटिफाई कर दिया जाएगा ठीक है आंसर आ रहा है विजय शंकर शर्मा ठीक है विजय शेखर शर्मा ठीक है विजय शेखर शर्मा सही है सभी का विजय शेखर शर्मा पेटीएम के जो फाउंडर है ठीक है उनका नाम है विजय शेखर शर्मा ठीक है इसी के तरह एक पेटीएम मनी है ठीक है पेटीएम मनी इनके भी हेड है उनका नाम है प्रवीण यादव ये भी नए अपॉइंट हुए हैं ठीक है लेकिन अप्रैल में अपॉइंट नहीं होते इसीलिए मैंने नहीं लिखा है लेकिन आपको बता देता हूँ कि पेटीएम मनी के जो हेड है उनका नाम है प्रवीण यादव ठीक है प्रवीण यादव चलिए और मैंने बता दिया कि पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है ठीक है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट है एम डी एन सी ओ ऑफ़ भारती इंफ्राटेल ठीक है भारती जो इंफ्राटेल है यानी कि भारती जो एयरटेल है उसके नए एम डी सी ओ बनाए गए हैं उसका नाम है डी एस रावत ठीक है डी एस रावत ये बनाए गए हैं भारती इंफ्राटेल के ठीक है चलिए हम लोग आते हैं अभी हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि भारती एयरटेल जो है वो नोकिया के साथ कितने अमाउंट का डील किया है नोकिया के साथ आप लोगों को अगर याद है तो एक बार कमेंट में लिख कर बताइए नोकिया के साथ भारतीय एयरटेल ने अभी एम साइन किया है कितने अमाउंट का ताकि उसका नेटवर्क को बूस्ट किया जा सके ठीक है चलिए सत्यम सौरभ ने आंसर दिया वन बिलियन डॉलर क्या यह सही है या फिर सिर्फ और सिर्फ सत्यम को पता है सर ने भी मैसेज किया है गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स गुड मॉर्निंग सर सभी लोग सर को गुड मॉर्निंग कर दीजिए कह दीजिए वन बिलियन डॉलर ठीक है सात हजार करोड़ सॉरी सात हजार पांच सौ करोड़ अभिषेक चौधरी का आंसर है चलिए एक तरह से सभी का सही है अभिषेक का भी आंसर सही है वन बिलियन यानी सात सात हजार पांच सौ करोड़ क्योंकि डॉलर का वैल्यू सेवेंटी फाइव रु, रुपीज के अप्रोक्स है ठीक है सभी का सही है गुड मॉर्निंग ठीक है वन बिलियन डॉलर का साइन किया है भारतीय एयरटेल ने नोकिया कंपनी के साथ ठीक है नोकिया कंपनी के साथ और नोकिया कहाँ की कंपनी है एक बार मेरे को कमेंट में लिख के बताइए तो नोकिया नोकिया कहाँ की कंपनी है ठीक है आप लोग एक के साथ एक क्वेश्चन में आप लोग कितना न्यूज मिल जा रहा है आप लोग ये देख सकते हैं नोकिया किस इस कंट्री की कंपनी है अगर किसी को पता है तो ये बताए नहीं तो फिर एक बार लिख दें चलिए एक आंसर आया सोनू कुमार का फिनलैंड देखा जाए ये सही है कि नहीं फिनलैंड सत्यम का भी फिनलैंड फिनलैंड चलिए सभी का आंसर सही आ रहा है ठीक है ये फिनलैंड की कंपनी है सही है सबका फिनलैंड नोकिया फिनलैंड की कंपनी है ठीक है आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एम यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सुरेंद्रम हाउस होम फाइनेंस जो कि चेन्नई में है उसके जो नए एम बनाए गए हैं उनका नाम है लक्ष्मी नारायण दुरई स्वामी ठीक है लक्ष्मी नारायण दुरई स्वामी ठीक है ये बनाए गए हैं सुंदरम होम फाइनेंस के एमडी ठीक है और ये तमिलनाडु की कंपनी है ठीक है हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर न्यू डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एनटीपीसी ठीक है एनटीपीसी का फुल फॉर्म यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ठीक है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसके जो है नए एमडी बना बनाए सॉरी डायरेक्टर बना गए ह्यूमन रिसोर्स में तो इनका नाम है दिलीप कुमार पटेल ठीक है दिलीप कुमार पटेल ठीक है तो एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसके डायरेक्टर यानी कि चेयरमैन कौन है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनका नाम क्या है तो ये मैं लिख देता हूँ या बता देता हूँ आपको आप लोग याद रखिए इनका नाम है गुरदीप सिंह ठीक है गुरदीप सिंह ये इसके सीएमडी है ठीक है ये गुरदीप सिंह मैंने लिख दिया है ठीक है अनंतराज ने सही लिखा है गुरदीप सिंह और इसका जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था ये नाइनटीन सेवेंटी फाइव में हुआ था ठीक है नाइनटीन सेवेंटी फाइव नाइनटीन सेवेंटी फाइव ठीक है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली ठीक है न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है ठीक है इस एक क्वेश्चन में आप लोगों को देख लीजिए एन के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कि दिलीप कुमार पटेल बनाए गए हैं इनके जो चेयरमैन हैं वो गुरदीप सिंह है इसका इस्टेब्लिशमेंट हो गया 1975 और इसका हेडक्वाटर हो गया न्यू दिल्ली ठीक है आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ठीक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसका गठन हुआ था 2016 में ठीक है ये कंपनीज के लिए लॉ बनाती है ठीक है जो कंपनीज आपको सेटअप करना है उसके लिए लॉ बनाती है तो इसके जो अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनका नाम है बीएसवी प्रकाश कुमार ठीक है बीएसवी प्रकाश कुमार चलिए नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लेट ट्रिब्यूनल ठीक है टेलीकॉम में जो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं जैसा कि हम लोग को पता है कि अभी डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि सरकार ने भी बोला है कि जितने भी लोग उसके जो डेब्ट्स है जितने भी टेलीकॉम सेक्टर्स के डेब्ट्स है उसको क्लियर करना होगा तो उसके लिए भी एक कमेटी बनाया गया था तो उसके लिए चेयरमैन बनाया है उनका नाम है जस्टिस शिवकृति सिंह ठीक है जस्टिस शिवकृति सिंह यह बनाया गया है टेलीकॉम डिस्प्यूट्स के लिए ठीक है चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडवाइज़र टू पी मोदी ठीक है हमारे जो प्रधानमंत्री है उनके लिए एक एडवाइज़र नियुक्त किया गया है जिनका नाम है भास्कर खुलबे ठीक है भास्कर खुलबे ये बनाए गए हैं पीएम मोदी के एडवाइजर ठीक है आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर एक कंपनी है नेस कॉम ठीक है नेस कॉम इसके अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं ठीक है नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों बनाए गए हैं तो उनका चेयरमैन का नाम है यूबी प्रवीण राव ठीक है यूबी प्रवीण राव ठीक है भैया पी चाहिए आज के क्लास का भैया आपको पी आज का क्लास जैसे ख़त्म होगा आप लोगों को इसके लिंक में मिल जाएगा या फिर आप एक बार एन ऑनलाइन में को मैसेज कर दिएगा आपको पीडीएफ पहुंच जाएगा ठीक है एनएससी का जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर एक बार मैसेज कर दिया आज के का क्लास का पीडीएफ का तो आपको यह पहुंच जाएगा अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसमें से कुछ पूछिए तो भैया ठीक है इसमें से पूछना भी है क्या आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा ठीक है कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा न्यू चेयरमैन बनाया गया नेस्कॉम का चलिए अब मैं पूछता हूँ कि नेस्कॉम का फुल फॉर्म बताइए आप लोग ठीक है नेस्कॉम का फुल फॉर्म बताइए ठीक है श्रवण भैया मैं बता दूंगा आपको नेस्कॉम का फुल फॉर्म लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि और किसी को पता है कि नहीं ठीक है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी ठीक है चलिए कोई बात नहीं सत्यम याद हो जाएगा पीडीएफ में दे दूंगा ठीक है नेस्कॉम का फुल फॉर्म एक ही आंसर आया मेरे पास अभिषेक चौधरी का लगता है अभिषेक चौधरी लॉकडाउन का पूर्णतः फायदा उठा रहे हैं प्रीति कुमारी ने मैसेज किया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ ठीक है चलिए अच्छा नेस्कॉम जो चेयरमैन बनाया गया है यू बी प्रवीण कुमार ये किसको रिप्लेस किया है ये एक बार बताइए तो मेरे को ये किसको रिप्लेस करके बनाया गया है ये थोड़ा टफ़ हो जाएगा आप लोगों को याद है तो आप लोग बता सकते हैं नहीं तो मैं बता दूंगा पॉपुलर नाम था मैं इनका शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ ठीक है अब आप लोग को याद हो सकता है याद आ जाए के एम इसको रिप्लेस करके बने हैं यूवी प्रवीण कुमार ठीक है चलिए पूजा सिंह ने आंसर दिया है केशव मुर्गेश नम्रता कुमारी डी देवजानी घोष ठीक है केशव मुर्गेश चलिए मैं अब आपको क्लियर करता हूं ये सब मुर्गेश कौन है देवजानी घोष कौन है ये मैं सब क्लियर कर देता हूँ ठीक है नए जो चेयरमैन बनाए गए हैं ये आप लोग देख लिए यूवी प्रवीण कुमार और नेसकॉम का आप लोगों ने सही रखा था फुल फॉर्म इसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ठीक है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज ठीक है और इसके जो नए वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं इनका नाम है रेखा एम मोहन ठीक है रेखा एम मोहन इसकी जो वाइस चेयरमैन बनाई गई हैं ठीक है थीके? और ये जो चेयरमैन है ये रिप्लेस किए हैं केशव मुर्गेश को सही लिखे थे आप लोग जिन्होंने केशव मुर्गेश लिखा था केशव मुर्गेश को रिप्लेस करके ये बने हैं यू प्रवीण कुमार और आप लोगों ने एक और मैसेज किया था देवजानी घोष तो देवजानी घोष कौन है तो, सॉरी देवजानी घोष जो है ये नेस्कॉम के प्रेसिडेंट है ठीक है नेस्कॉम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है देवजानी घोष ठीक है इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था ये 1988 में हुआ था 1988, याद रखिएगा आप लोग और इसका जो हेडक्वार्टर आप लोग सभी को पता है एन से नेस्कॉम एन से न्यू दिल्ली ठीक है एन से नेस्कॉम और एन से न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो गया ठीक है चलिए ये आप लोग के साथ आप लोगों का नेस्कॉम का पूरा डिटेल क्लियर हो गया ठीक है आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर न्यू स्पोक पर्सन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जो नए स्पोक पर्सन बनाए गए हैं इनका नाम क्या है तो ये है अनुराग श्रीवास्तव ठीक है अनुराग श्रीवास्तव बनाया गया है न्यू स्पोक पर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ठीक है तो ये मिनिस्टर किसके पास है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किसके पास है आप लोग सभी मेरे को लिख बताइए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री अभी तक किसी का मैसेज नहीं आया है चलिए मैसेज आना शुरू हो गया अनंतराज ने मैसेज पहले किया है एस जयशंकर पूजा सोनी ने लिख किया है एस जय एस सुब्रमण्यम एस जय संकत एस जय शंकर अभिषेक चौधरी जय शंकर ठीक है चलिए सभी ने सही आंसर किया है एस जय शंकर ठीक है एस जय शंकर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ठीक है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं न्यू एमडी सीईओ बनाया गया भारतीय एक्सर लाइफ इंश्योरेंस के ठीक है भारतीय एक्सा जो है लाइफ इंश्योरेंस के नए जो एम डी एन सी ओ बनाए गए उनका नाम है पराग राजा ठीक है पराग राजा कोई बात नहीं हेमलता कुमारी चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर न्यू एम डी एन सी ओ ऑफ इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस ठीक है ये इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी है ठीक है इफ्को टोक्यो और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये इफ्को ये इंडियन कंपनी है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर सॉरी इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कंपनी है ठीक है फाइनेंस कंपनी है और टोक्यो जो है ये जापान की कंपनी है ठीक है तो इन दोनों के मेले के साथ ये जनरल इंश्योरेंस बनाया गया और इसके जो नए एम डी सी ओ बनाई गई है इनका नाम है अनामिका रॉय राष्ट्रवर ठीक है अनामिका रॉय राष्ट्रवर ठीक है यह बनाई गई है इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ठीक है और यह रिप्लेस किसको की है इनका नाम है वरेंद्र सिन्हा ठीक है वरेंद्र सिन्हा यह रिप्लेस करके बने हैं ठीक है अनामिका रॉय रिप्लेस की है वरेंद्र सिन्हा को ठीक है और इसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव है ठीक है कोऑपरेटिव सी यानी कोऑपरेटिव इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ठीक है आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की नेक्स्ट क्वेश्चन ओर डायरेक्टर ऑफ आईआईएम बेंगलोर ठीक है आईआईएम बेंगलोर अभी न्यूज़ में था तो इसके जो नए डायरेक्टर बनाए गए हैं इनका नाम है ऋषिकेश टी कृष्णन ठीक है ऋषिकेश टी कृष्णन को डायरेक्टर बनाया गया है आई आई एम बेंगलोर को ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ठीक है नेक्स्ट है री अपॉइंटेड री अपॉइंटेड ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ठीक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के री अपॉइंटेड एमडीसी यानी कि एम डी सी ओ को री अपॉइंट किया गया है इनका नाम है संजय अग्रवाल ठीक है संजय अग्रवाल को री अपॉइंट किया गया है एक सॉरी एक साल के लिए ठीक है एक साल के लिए फिर से इनको रीअपॉइंट किया गया है ठीक है क्या आप लोगों को पता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग एक बार कमेंट में लिख कर बताइए मेरे को कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, है? देखिए दत्ता भैया ने मैसेज किया है सेकेंड ऑफ मे बैंकिंग अवेयरनेस ठीक है टॉपिक टाइप ऑफ चेक ठीक है दत्ता भैया का सेकेंड ऑफ मे को क्लास होने वाला है क्या चीज़ का बैंकिंग अवेयरनेस में है उनका टॉपिक है चेक्स ठीक है चेक्स का जिसको जिसको चेक्स में डाउट है वो लोग क्लास को कर सक करके और उसको क्लियर कर लेंगे ठीक है चेक का क्लास होगा दत्ता भैया का ठीक है ए यू स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका हेडक्वाटर ठीक है सभी ने सही लिखा है जयपुर 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 चलिए सभी का सही है इसका जो हेडक्वाटर जयपुर राजस्थान में है ठीक है चलिए ठीक है और इसी के साथ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए पार्ट टाइम चेयरमैन भी बने हैं ठीक है थीके? ये भी पार्ट टाइम जो चेयरमैन है ये एक साल के लिए अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है राज विकास वर्मा ठीक है राज विकास वर्मा ठीक है चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ये जो न्यूज है ये सिर्फ बैंक के लिए है तो आप लोग बैंक के लिए जिन... जिनको अभी बैंक के एग्जाम क्लियर करना है इस पर ध्यान से देखेंगे देखिए रीअपॉइंटमेंट एम डी एन सी ओ ऑफ कर्नाटका बैंक कर्नाटका बैंक जो है इसके नए एम डी सी ओ सॉरी री अपॉइंट किए गए एम डी सी ओ इनका नाम है महाबालेश्वर एमएस ठीक है महाबालेश्वर एमएस जो कि कर्नाटका बैंक के एम डी सी ओ री अपॉइंट हुए हैं ठीक है नेक्स्ट है गवर्नर अच्छा ठीक है इसको मैं बता देता हूं इनका जो महाबालेश्वर एमएस है ये तीन साल के लिए रेअपॉइंट हुआ है ठीक है इनको तीन साल का एक्सटेंशन मिला है ठीक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है कर्नाटका बैंक का हेडक्वाटर चलिए अभिषेक चौधरी ने लिख दिया है मैंगलोर ठीक है सही है ये मैंगलोर में है ठीक है इसका टैगलाइन बताइए आप लोग इसका टैगलाइन क्या है कर्नाटका बैंक का जिनको नहीं पता है वो लोग नहीं पता लिखेंगे क्योंकि गूगल करने की जरूरत नहीं है मैं बता दूंगा ठीक है चलिए मैं बता देता हूँ ठीक है जो कर्नाटका बैंक है उसका जो टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया ठीक है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया यानी कि आपका जो परिवार का बैंक है भारत में ठीक है पूरे भारत में आपका एक परिवार का बैंक है कर्नाटका बैंक यही इसका टैगलाइन है ठीक है आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए सूरज कुमार ने गूगल कर लिया होगा इसीलिए उन्होंने आंसर दिया है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया और अगर नहीं किया है तो आप लोग सीखिए कि सूरज कुमार ने आंसर सही दे दिया है ठीक है गवर्नर ऑफ नेपाल सेंट्रल बैंक ठीक है नेपाल का जो राष्ट्र बैंक है यानी कि जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि इंडिया का है इंडिया का बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर ठीक है तो उसी तरह नेपाल का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है नेपाल राष्ट्र बैंक तो उसके जो गवर्नर बनाया गया है उनका नाम है महाप्रसाद अधिकारी ठीक है महाप्रसाद अधिकारी ठीक है और हमारे आरबीआई के जो गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनका नाम आप लोग सभी को पता होगा शक्तिकांत दास ठीक है शक्तिकांत दास ठीक है आते अतः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यस बैंक ठीक है यस बैंक इसके जो अभी नए एमडीसी बनाए गए हैं इनका नाम है प्रशांत कुमार ठीक है इनका नाम है प्रशांत कुमार ठीक है ये जो है पहले डायरेक्ट्रेट बनाया गया ठीक है डायरेक्टर बनाए गए थे पहले जो यस yes बैंक में अभी जो इशू चल रहा था जो अभी परेशानी चल रहा था यस बैंक के इसके लिए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया था लेकिन अब उनको एम डी सी ओ बनाया गया बनाया गया है यस बैंक का जिनका नाम है प्रशांत कुमार ठीक है तो आप लोग ये बताइए कि यस yes बैंक इसका टैगलाइन क्या है यस yes बैंक बहुत ही पॉपुलर बैंक है तो आप लोगों को टैगलाइन याद होना चाहिए स बैंक का टैगलाइन क्या है सहनाद ने आंसर दिया शक्तिकांत दास ट्वेंटी फिफ्थ ठीक है अभिषेक चौधरी ने मुंबई से मैंने हेडक्वार्टर नहीं पूछा मैंने आपसे टैगलाइन पूछा प्रीति कुमारी ने आंसर दिया एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज चलिए अभिषेक चौधरी एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज ठीक है एक्सपीरियंस योर एक्सपर्टाइज ठीक है लेकिन इसका जो सही आंसर है इसका नाम इस इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ठीक है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज योर नहीं है आवर है ठीक है चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सिटी यूनियन बैंक ये एक बहुत ही कम न्यूज़ में रहने वाली बैंक है सिटी यूनियन बैंक ठीक है इसके भी नए एमडीसी बनाए गए हैं इनका नाम है एन कम्मा कोड़ी ठीक है एन कम्मा कोड़ी इनके नए एम डी बनाए गए सिटी यूनियन बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां है आप लोग बता सकते हैं इसका हेडक्वार्टर आवर है ठीक है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ठीक है सिटी यूनियन बैंक इसका हेडक्वार्टर चलिए सत्यम ने पूरा डिस्ट्रिक्ट के साथ नाम दिया है कुंभ कुम्ब, कोनम तमिलनाडु ठीक है सही आंसर दिया है सत्यम ने इसका जो हेडक्वार्टर है ये तमिलनाडु में है कुंबाकोण डिस्ट्रिक्ट में ठीक है तमिलनाडु ठीक है और इसका जो टैगलाइन है ये है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस ठीक है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 यानी कि ये 1904 में इसका गठन किया गया था सिटी यूनियन बैंक का और इसका टैगलाइन है ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904 ठीक है हाँ सही है अभिषेक चौधरी का ये गलत नहीं हो सकता है <coughs> चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और।, और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं देखिए मैंने इसका फुल फॉर्म भी लिखा है ओ एस डी ठीक है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कैनरा बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है ठीक है ये सिंडिकेट बैंक के एम डी है जिनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा इनको अपॉइंट किया गया है कैंगरा कैनरा बैंक के ओ एस डी ठीक है स्पेशल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ठीक है इसी तरह ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ठीक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है जिनका नाम है जे पकरी स्वामी ये एम है आंध्र प्रदेश सॉरी आंध्रा बैंक के ठीक है आंध्रा बैंक के ये बनाया गया है एम यूनियन बैंक में ओ ठीक है तो कैनरा बैंक के जो एम है ठीक है कैनरा बैंक के जो एम है इनका नाम है लिंगम वेंकट प्रभाकर ठीक है लिंगम वेंकट प्रभाकर यानी कि आप लोग लिख सकते हैं एल वी प्रभाकर ठीक है एल वी पी ये बनाए गए हैं कैनरा बैंक के एम डी सी ओ नहीं गया मतलब अपॉइंट हुए लेकिन अप्रैल से पहले अपॉइंट हुए हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर ओ एस डी कौन बनाया गया हैं तो उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा ठीक है और इसके जो इसका जो हेडक्वार्टर आप लोग सभी को पता होगा कैनरा बैंक का ये बेंगलुरु में है ठीक है ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है ठीक है और यूनियन बैंक यूनियन बैंक के एम कौन है आप लोग कमेंट में लिख बताइए ठीक है यूनियन बैंक के एम डी सी एम डी सी ओ इसके हेडक्वार्टर कहाँ है आप लोग बता सकते हैं भैया ओ डी का पर्पज होता है जो स्पेशल ड्यूटी अभी चल रहा है ना अभी सभी के लिए स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है तो उसके लिए ऑफिसर अपॉइंट किया गया है ठीक है क्योंकि अभी बैंक को बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो गया है लॉकडाउन के समय में तो इसीलिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी अपॉइंट किया गया है हर बैंक के लिए चलिए कोई बात नहीं सिर्फ हेडक्वार्टर पता है ठीक है यूनियन बैंक अभिषेक चौधरी ने गलत आंसर दिया है यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता नहीं है ठीक है यूनाइटेड बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता है लेकिन यूनियन बैंक का हेडक्वार्टर ठीक है ये मुंबई में है और इसका जो इसके जो एम डी सी ओ है इनका नाम है राजकिण राय जी ठीक है राजकिरण राय जी आर ए जे राज किरण राय जी ठीक है राजकिरण राय जी ठीक है? है आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर न्यू सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एम टी एन एल ठीक है एम टी एन एल एम टी एन एल का आप लोग फॉर्म जो है यह लिख कर बताइए मेरे को कमेंट में तो न्यू सी एम डी बनाया गया है एम टी एन एल का इनका नाम है पी के ठीक है पी के परवार बनाया गया और ये एडिशनली अपॉइंट किया गया ठीक है इस ये ऑलरेडी एक पोस्ट पर है जो कि बी एस एन एल के सी एम डी भी है ठीक है बी एस एन एल जो है भारत संचार निगम लिमिटेड बी एस एन एल सॉरी बी एस एन एल है बी एस एन एल बीएसएनएल के बनाए गए हैं बीके पुरवार एमटीएल के ठीक है सभी ने आंसर किया है महानगर टेलीकॉम संचार लिमिटेड चलिए सही है सबका महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड ये एमटीएल का फुल फॉर्म है चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया ठीक है साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनको फिर से रीइलेक्ट किया गया अभी वहां पर इलेक्शन हुआ है और साउथ कोरिया गवर्नमेंट का जो लॉकडाउन को अच्छे तरह से अच्छी तरह पालन करने के साथ साथ उन्होंने जो कोरोना वायरस को बहुत अच्छी तरह से डील किया है इसलिए वो लोग बहुत भारी जीत के साथ फिर से रियलेक्ट हुए हैं तो इसी और उनका नाम है मून जे इन इनको फिर से प्रेसिडेंट बना दिया गया है साउथ कोरिया का ठीक है आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ठीक है ये सेकंड लास्ट स्लाइड है तो देखते हैं हम लोग सी ओ ऑफ हुबई इंडिया ठीक है हुई एक मोबाइल स्मार्टफोन कंपनी है उसका जो नए सी ओ इंडिया के लिए नए सी ओ बनाए गए हैं इनका नाम है डेविड ली ठीक है डेविड ली और अगर हम ग्लोबल सी ओ का बात करें तो उनका नाम है रेन ठीक है आर -E ई एन रेन जेंगफे ठीक है रेन जेंगफे आप लोग लिख लीजिए रेंग जेनफे इनका ग्लोबल सी ओ है ठीक है और आप लोग सभी को पता है कि ये ये जो कंपनी है ये इसका हेडक्वार्टर जो है ये चाइना में है ठीक है ये चाइना में इसका हेडक्वार्टर है चलिए हुआई इंडिया और हम लोग ये पता भी है इसका जो नया अभी एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया है हुई का ठीक है नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है पिछले साल ही आया है तो आप लोग इसका नाम बताइए कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या हुई का ठीक है हुबई का नया ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है जल्दी से कमेंट में लिख बताइए ठीक है और हूबई का ही अभी अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है ठीक है हुवई जो कंपनी है उसका अभी अमेरिका में उसको बैन कर दिया गया है जिसके वजह से उसको नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया ब, बनाना पड़ा है तो आप लोग जल्दी से उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए पूजा सोनी ने आंसर दिया हारमोनी ओ एस प्रीति बारे नहीं पता अभिषेक चौधरी हारमोनी ओ चलिए सही है जिन्होंने हारमोनी ओ एस दिया है यानी हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम कब सत्यम कभी गूगल करना पड़ेगा कोई बात नहीं सत्यम गूगल मत कीजिए मैं बता देता हूँ इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सही है हारमोनी ठीक है हारमोनिक ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है ये हुबई का है और हुबई की एक सब ब्रांड भी है जिसका नाम है ऑनर ठीक है एच ओ एन ओ आर ठीक है ऑनर न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आई डबल एम ए ठीक है आई डबल एम ए ये मैंने अभी क्लास में भी कुछ दिन पहले कराया था आई डबल एम ए का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ठीक है सॉरी इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में ठीक है इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं यह है? राकेश शर्मा और ये कौन है मैंने उस क्लास में ही बताया था ये ईडी है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बजाज ऑटो के ठीक है बजाज ऑटो के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है चलिए हम लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अभी न्यू सीवीसी सी यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है इनका नाम है संजय कोठारी ठीक है ये नए अपॉइंट हुए संजय कोठारी ठीक है ठीक है और इसी के साथ मैं इसी के साथ एक और अपॉइंटमेंट पिछले महीने ही हुआ है या उससे एक महीना पहले हुए होंगे सी आई सी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनको भी मैं साथ में लिख दिया ताकि आप लोग को याद रहे बीमल जुल्का ठीक है जो हमारे नए सी आई सी बनाए गए हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उनका नाम है बीमल जुल्का ठीक है गूगल क्लाउड इंडिया सॉरी इंडिया नहीं लिखा गूगल क्लाउड इंडिया के लिए जो नए एम डी बनाया गया है उनका नाम है करण बाजवा ठीक है करण बाजवा ठीक है और सी इसका काम क्या होता है सी सी का गठन हुआ था नाइनटीन हंड्रेड सिक्सटी फोर में ठीक है नाइनटीन सिक्सटी फोर में इसका गठन हुआ था तो इसका काम क्या होता है यह जो जो भी गवर्नमेंट में करप्शन होता है उसको एड्रेस करती है उसको देखती है ठीक है सही लिखा है सनाज ने सी बी सी नाइनटीन सिक्सटी फोर ठीक है संजय कोठारी चलिए ठीक है सी बी सी का जो काम होता है ये जितने भी गवर्नमेंट में करप्शन होती है उसको एड्रेस करती है उसको देखती है ये सी बी सी का काम है ठीक है नेक्स्ट है चेयरपर्सन ऑफ सेल फोर्स इंडिया ठीक है सेल फोर्स इंडिया के नई अभी चेयरपर्सन बनाई गई हैं अरुंधति भट्टाचार्य ठीक है ये एक लेडी है इनका नाम है अरुंधति भट्टाचार्य तो आप लोग ये बताइए कि ये पहले क्या थी ये बहुत ही रेप्यूटेड और बहुत ही है तो ये पहले क्या रह चुकी है बहुत बड़ा इनका चुका है तो हम बताना है कि ये पहले क्या रह चुकी है ठीक है आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की लास्ट स्लाइड की ओर ठीक है प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ठीक है आर्चरी एसोसिएशन है उसके नए प्रेसिडेंट बनाया गया है ठीक है उनका नाम बताना है ठीक है सॉरी अभी और दो स्लाइड है उसको भी देख लेंगे हम लोग आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनका नाम है अर्जुन मुंडा ठीक है अर्जुन मुंडा ठीक है और बीजेपी के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं इनका नाम है जे पी नड्डा ठीक है जयप्रकाश नड्डा ठीक है एनएचपीसी ठीक है